लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के बाद अब एनसीपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को बारामती से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कई पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को एनसीपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को एक बार फिर बारामती से ही टिकट दिया गया है। बारामती पवार परिवार का गढ़ माना जाता है और खुद शरद पवार इस सीट से 6 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस ने अपनी 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर महाराष्ट्र से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन और राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में 4 चरणों में वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।